राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी एक एक सीट पर विशेष रणनीति बना रही है। उसी के तहत ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। इसी में एक बड़ा नाम है मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का। बाड़मेर जिले की बाड़मेर विधानसभा सीट पर बीजेपी लगातार पिछले 3 चुनाव से हार गई है। यह डी कैटेगरी की सीट है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को इस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए ताकि बीजेपी का 15 साल का वनवास खत्म हो सके। बीजेपी ने कैलाश चौधरी के लिए प्लान बी भी बना रखा है, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि बायतू विधानसभा सीट पर बीजेपी बहुत कमजोर है, यहीं से कैलाश चौधरी विधायक भी रह चुके हैं। लिहाजा हरीश चौधरी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सामने एक बार फिर से बीजेपी कैलाश चौधरी को उतारने की तैयारी कर रही है। इसी तरह की खबरें हैं, 2008 में पहली बार वायतू विधानसभा सीट बनी थी, यहीं से बीजेपी ने युवा उम्मीदवार के तौर पर कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा था, लेकिन कैलाश चौधरी कर्नल सोनाराम चौधरी से चुनाव हार गए थे। 2013 में मोदी लहर में कैलाश चौधरी ने कर्नल सोनाराम चौधरी को चुनाव हरा दिया। 2018 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वायतू में एंट्री के चलते कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस के हरीश चौधरी ने वायतू से जीत दर्ज की थी। विधानसभा चुनाव से ठीक 4 महीने बाद ही जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पार्टी ने फिर कैलाश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से टिकट थमा दिया था। कैलाश चौधरी मानवेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर सांसद बने और अब एक बार फिर से इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी कैलाश चौधरी को बाड़मेर या वायतू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है।